माननीय सदस्यगण, चूंकि आज सभा का अंतिम दिन है, सबको शांत रहने का अपील आसन से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग आसन का जो अपील है इस अपील को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पांचवा और अंतिम कार्य दिवस था। प्रश्न वर्ग चार में चयनित विभागों यानी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग तथा विधि विभाग से संबंधित कुल 67 अल्पसूचित और कल का एक स्थगित अल्पसूचित प्रश्न को मिलाकर कुल 68 प्रश्न सूचीबद्ध थे, परंतु सदन में लगातार व्यवधान के कारण एक भी प्रश्न पूछा नहीं जा सका। अध्यक्ष महोदय, आसन पर आक्षेप लगाना ये विधानसभा की अवमानना। आपने इसी मामले के कारण 4 साल तक माननीय बाबूलाल मरांडी जो राजधनवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको एक शब्द बोलने नहीं दिया गया है। आप बोलिए आसन से, आसन से। विधानसभा का अवमानना होता है अध्यक्ष महोदय, इस पर आप कार्रवाई करें। विगत 4 साल के अंदर बाबूलाल मरांडी जी को एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। कल भी वो हाथ 3 बार उठाए अध्यक्ष महोदय। वैसी स्थिति में कोई अपनी पीड़ा को कहाँ रखेगा अध्यक्ष महोदय? पीड़ा को तो बाहर भी रखेगा, पत्रकार पूछते हैं रखा है। ये अवमानना का मामला किसे बन गया अध्यक्ष महोदय? सदन में आज के लिए शून्यकाल की कुल 21 सूचनाएं थी, जिसमें से 2 को सदन में पढ़ा जा सका और शेष 19 को पढ़ा हुआ मान लिया गया। दिनांक 9/9/2023 में जांच प्रतिवेदन में उक्त अंचलाधिकारी के द्वारा नियमितीकरण किए जाने के भूमि को गलत पाया गया है। आपत्ति विशेष प्रस्ताव में आकर नियमितीकरण कर दिया गया। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, इसकी जांच करा के कार्रवाई करें। इरफान साहब, तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से मैं मांग करूंगा सर, पूर्व सरकार की पाप जो हम लोग ढो रहे हैं महोदय, हमारी सरकार सहानुभूति पूर्वक महोदय विचार करते हुए सर, यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगूंगा। नियमानुसार ग्राह्य से शून्यकाल की सभी सूचनाएं पड़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। जहां तक ध्यानाकर्षण की बात है, तो पिछले कार्य दिवसों से स्थगित 14 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 19 ध्यानाकर्षण की सूचना सूचीबद्ध था, परंतु व्यवधान के कारण सदन में एक भी सूचना पर सरकार का वक्तव्य नहीं हो सका। आज सरकार की ओर से विभिन्न कागजातों और नियमावली की प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड राज्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड राज्य का वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गई। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त का झारखंड राज्य का वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, वो सदन पटल पर रखता हूँ। आज कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3(4) के प्रावधानों के तहत जांच तथा विभागीय आदेश संख्या 5500 दिनांक 29/9/2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखा गया। प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3(4) के प्रावधानों के तहत जांच प्रतिवेदन तथा विभागीय आदेश 5500 दिनांक 29/9/2023 की
एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा झारखंड राज्य पथ विकास निधि नियमावली 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई। प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग झारखंड राज्य पथ विकास निधि नियमावली 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। सत्र के अंतिम दिन सदन में गैर सरकारी संकल्प लिए जाते हैं। एक माननीय सदस्य द्वारा एक गैर सरकारी संकल्प की सूचना दी जाती है। 35 माननीय सदस्यों के कुल 35 गैर सरकारी संकल्प आज के लिए स्वीकृत थे। स्वीकृत सभी गैर सरकारी संकल्पों को सदन में पढ़ा गया और उस पर संबंधित विभाग के मंत्रियों का वक्तव्य लिया गया। मंत्रियों के वक्तव्य से संतुष्ट होकर कुछ एक को छोड़ सभी संबंधित सदस्यों द्वारा गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लिया गया। गैर सरकारी संकल्प, अमित कुमार मंडल जी। अतएव सदन के माध्यम से राज्य हित में सरकार से मांग करता हूं कि गोड्डा रांची इंटरसिटी ट्रेन नंबर 18619-18620 का विस्तारीकरण कराए। जनहित में है, महत्वपूर्ण भी है और इसको अग्रसित कर दिया गया है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय को। माननीय सदस्य श्री मथुरा महतो जी। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ जनहित को देखते हुए धनबाद जिला में हवाई अड्डा का निर्माण कराया जाए। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड स्थित नव निर्मित डिग्री कॉलेज में पठन पाठन का कार्य शैक्षणिक सत्र 24-25 से सुचारू रूप से प्रारंभ कराएं। अगले शैक्षणिक सत्र से पूरा किया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से संबंधित महाविद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड स्थित नव निर्मित डिग्री कॉलेज में पठन पाठन का कार्य शैक्षणिक सत्र 24-25 से सुचारू रूप से प्रारंभ कराएं। अगले शैक्षणिक सत्र से पूरा किया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से संबंधित महाविद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। मैं प्रत्येक वर्ष जंगली हाथियों द्वारा धान रबी फसल एवं जान माल की क्षति पहुंचाता है। राज्य सरकार ये जिला प्रशासन द्वारा टीम गठन कर किसानों का क्षतिपूर्ति मुआवजा तत्काल भुगतान करने एवं जंगली हाथियों को खदेड़ने का कार्य कराए जाए। सदन की कार्यवाही के अंत में नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी, सभा नेता यानी माननीय मुख्यमंत्री का संबोधन और अध्यक्ष महोदय का समापन भाषण हुआ। तत्पश्चात सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, कई एक लोग आज सड़कों पर हैं। पंचायत स्वयं सेवकों का आज बहुत गंभीर लाठीचार्ज हुआ है। बहुत लोग आज अस्पताल में हैं, सर भी फूटा है। संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मी, डेली वेजेज के लोग, पारा शिक्षक, पोषण सखी, चौकीदार, दफादार, दिव्यांग, बीआरपी, सीआरपी, ऐसे सारे लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहेंगे तो उनके विषयों को, जो आज सभी लोग आंदोलन के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं। 2019 के पहले इस राज्य की स्थिति ये थी अध्यक्ष महोदय, कि राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मर रहे थे। हमारे विपक्ष के लोग सरकार को पानी पी पी कर कोसने का काम करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार शोषण कर रही है, राज बद से बदतर हो गया है। राज्य में, राज्य के नौजवान देश में भी अपना योगदान देते हैं, देश के अलग अलग कोने में भी रोजगार करते हैं और राज्य में भी रोजगार करते हैं। और हमने अभी भी कहा है, अभी हाल में ही कहा कि हम लोग का अभी कुछ दिनों के बाद 29 तारीख हम लोग का चौथा स्थापना दिवस होगा और उस दिन हम लोग हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां के हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। यह सत्र छोटा था परंतु विधायक कार्यों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। हम सब ने निहित समय का सदुपयोग किया। सदन को कुछ अंतरालों के लिए स्थगित भी करना पड़ा। इस सत्र में कुल 247 प्रश्न स्वीकृत हुए। ये सभी अल्पसूचित प्रश्न हैं। इस सत्र में समयाभाव के कारण तारांकित प्रश्न नहीं लिए जा सके कि खतियान आधारित स्थानीयता का प्रश्न हम सब के राजनीतिक उद्देश्यों से बड़ा है।
यह प्रश्न राज्य गठन के उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। सभी को शुभकामना और धन्यवाद के साथ सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।